वेलकम बैक टू एक बार फिर से एंड इससे पहले कि मैं कुछ आगे तो आपने ये चेहरा आई थिंक वीडियोज में रफली पूरे एक साल बाद देख रहे हो गए उसका मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ कि मैं क्यों मिसिंग इन एक्शन था और यहाँ तो पे तुम घूम फिर के आए हो पहला सीन तो ये था कि यहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें मतलब लाइक अपना खुद ही परेशान था फैमिली प्रॉब्लम्स भी चल रही थी खुद के भी अपने स्ट्रगल्स थे क्योंकि ऐसा नहीं होता कि तुम्हारी लाइफ हमेशा यहाँ पे स्मूथ चलती रहती है तुम्हारे भी अप्स एंड डाउन आते हैं जैसे और लोग क्या है मेरे लाइफ में भी आते रहते हैं तो इसलिए मेरा YouTube से थोड़ा हटके मन था कि भाई अभी इस पे मेरा फोकस करने का मन नहीं है फिर रिसेंटली अभी मैं एक महीने के लिए इंडिया भी गया हुआ था फैमिली से मिलने के लिए क्योंकि डब से इधर आया मैं मेरा पहली ट्रिप थी इंडिया की तो ऑलमोस्ट मैं चार साल बाद गया था कैसा तो, लगा भारत जाकर चार साल बाद लाइक कुछ लगा बदलाव आया हुआ इस देश में भाई इंडिया में तो मेरे को बहुत बदलाव लगा कि जब उस टाइम पे हम दो हजार बीस की बात है दो हजार उन्नीस की बात है उस टाइम पे तो भाई बहुत सस्ता लगता था मेरे को इंडिया तो मैं वही मेंटालिटी लेके गया था कि इंडिया जाऊंगा तो भाई बहुत सस्ते में काम हो जाएगा ज्यादा पैसे खर्च नहीं होते क्योंकि अपन जाते थे बाहर गए कभी स्ट्रीट फूड खाने के लिए दो या तीन बंदे पांच सौ में खा के आ गए आज की रेट में बंदा अगर बाहर निकल रहे हो तो आपके हजार रुपए तो खत्म बच के आएंगे नहीं अब मैं बात करने वाला हूँ कि ये जो वीडियो है क्या वीडियो होने वाली है और ये वीडियो मनाने का रीजन रहा है क्या है मेनली तो आज की वीडियो में भाई मेनली ये दिखाने वाले हैं कि ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से चेंजेस आए हैं जब मैं इंडिया में था बैक इन इंडिया मेरे को बहुत सारे लोगों ने भाई फेस टू फेस ये भी पूछा था कि भाई अनिकेत भाई तुम वहाँ रह रहे हो आज की डेट में सिनेरियो क्या क्योंकि तुम गए थे चार साल पहले आज की डेट में वीज़ा का सिनेरियो क्या है ऑस्ट्रेलिया में क्या क्या चेंजेस आ चुके हैं क्या प्रोसेस है क्या एडमिशन के क्राइटेरियाज़ हैं तो मैंने उन लोगों को तो बताया फिर जब मैं इधर आया तो पार्ट तो मैंने भी डिस्कस करा था कि हमने जो लास्ट वीडियो बनाई थी इस टॉपिक रिलेटेड वो काफ़ी ज़्यादा आउटडेटेड हो चुकी है आज की डेट में बहुत सारे चेंजेज़ आए हैं बहुत सारी न्यू पॉलिसीज निकाली ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने तो हमने सोचा भाई इस टॉपिक के ऊपर वीडियो पूरी बनानी चाहिए तो चार मेजर टॉपिक्स हैं आज उन्हीं को डिस्कस करेंगे और बढ़ते हैं वीडियो में आगे वही सबसे पहले पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं वो है आपकी टी की ड्यूरेशन तो यहाँ पर स्कैम क्या था कि जो हमारे लोग भी काफ़ी ज़्यादा करते थे कि पहले टाइम्स में क्या होता था कि जब आप फोर नाट फाइव वीज़ा पे आते हो आफ्टर स्टूडेंट वीज़ा जब आपका एक्सपायर हो जाता है तो आपको तीन साल का मिलता था उसको आप फर्दर एक्सटेंड करवा सकते थे तो लोगों ने इसका गुड यूज़ भी किया है बट काफ़ी लोगों ने इसका गलत इस्तेमाल भी किया है कि इनडेफिनेटली वो टी आर रहते थे और वो गलत जरियों से अपना टी एक्सटेंड करते रहते थे अब गवर्नमेंट ने पॉलिसी क्या निकाली है कि आपको सिर्फ दो या तीन साल का ही एक्सटेंशन मिलेगा आफ्टर योर स्टडीज डिपेंडिंग की आपने बैचलर्स की है या फिर आपने मास्टर्स की है और गवर्नमेंट ने भाई ये चेंजेस क्यों निकाला तो 2022 में जब कोविड खत्म हुआ था तो इनके पास वर्क फोर्स की भाई सीवियर शॉटेज थी और ये बस चाहते थे कि भाई बंदे आते रहे आते रहे आते रहे अब इनकी जो वर्क फोर्स है वो कम्प्लीट हो गई है और आपको पता है कि हर साल बंदे आ ही रहे हैं तो इनको ये पता है कि अगर ये बंदा जल्दी निकल भी लेगा तो बैकअप इनके पास बहुत सारे वर्क फोर्स पड़े हैं इसलिए वो इतना प्रायोरिटाइज़ नहीं कर रहे इनका वीज़ा एक्सटेंशन देने के लिए और जो लोग हैं वो इनडेफिनेटली एक्सटेंड भी करते थे और अगर उनका मान लो तब भी पॉइंट्स इकट्ठा नहीं हो रहे तो वो वापस स्टूडेंट वीज़ा पे कन्वर्ट करवा के ऑस्ट्रेलिया में रह जाते थे मतलब लूप होल्स बहुत ज़्यादा थे अब इस लूप होल से सबसे ज़्यादा नुकसान क्या होगा कि भाई लोगों को कम टाइम मिलेगा अपने पी के पॉइंट्स इकट्ठा करने के लिए अब जैसे मान लो आपको तीन साल मिले हैं पी आर पे अपने पॉइंट्स इकट्ठा करने के लिए तो अगर आपको फुल तीन साल मिले तो आपको ज़्यादा टाइम होता है पॉइंट इकट्ठा करने के लिए बट यही अगर आपका टाइम दो साल या एक साल कर दिया जाएगा तो आपको एफर्ट उत नहीं करना है बट आपके पास टाइम कम हो जाएगा तो ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट है जो इनकी पॉलिसी में निकाला गया है और ये फ्यूचर स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने वाला है तो भाई अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट पॉइंट जो उन्होंने लेटेस्ट चेंज मारे अपने वीज़ा में वो है इंक्रीज़ इन आइल स्कोर तो जहाँ पहले बेसिक से बेसिक 5.5 आपके आइल्स बैंड में आपका एडमिशन हो जाता था वीज़ा मिल जाता था वो उन्होंने पूरा बंद कर दिया 5.5 का तो पूरा केस ही खत्म अब उन्होंने इंक्रीज कर दिया मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी सिक्स बैंड वो भी ईच यानी कि आपका किसी एक में आ गया आपको चार आइल्स के बैंड लाने ही पड़ेंगे वो है बे, बेसिक बेसिक टू रिक्वायरमेंट अब फॉर एग्जांपल आपका कोई ऐसा कोर्स है जिसमें लाइक हाई इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है तो जहां आपके 6.5 पॉइंट फाइव होते थे वहां सेवन हो गए तो बेसिक आप ये मान के चलो कि आपका 0.5 फाइव आइल्स के बैंड में इंक्रीज हो चुका है तो अब आप जो भी कोर्स करने आ रहे हो गया भाई उसकी स्क्रूटनी और लेटेस्ट अपडेट क्या है आइल स्कोर का वो जरूर चेक कर लेना कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पर अब सेकंडली इन्होंने ये चेंजेस करे क्यों है इनको इससे क्यों इम्पैक्ट आ रहा था हुआ क्या हो क्या रहा था पहले कि बंदे भाई इंडिया में अपने पुराने आइल्स के स्कोर या फिर फेक आइल्स के स्कोर के बेसिस पे इधर आ जाते थे यहाँ पे जब वो काम करते थे उनको रिये स्लोली रियलाइज होता था कि भाई उनपे इंग्लिश बोली नहीं जा रही किसी ना किसी तरीके से डॉक्यूमेंट बनवा के आ तो जाते थे तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का टारगेट ये है कि जो भी यहाँ पे लोग आ रहे हैं उनके डॉक्यूमेंट्स पहले से इतने स्क्रूटिनाइज हो जाएँ इतने ढंग से चेक हो जाएँ कि जो भी बंदे यहाँ पे आए वो अच्छे से इंग्लिश बोल पाए क्योंकि वो यहाँ की मेन लैंग्वेज है और उनके ये भी फर्दर गोल ये है कि अगर जो बंदे यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ लॉन्ग टर्म रहेंगे तो उनकी इंग्लिश यहाँ के पार लेवल पे एटलीस्ट मैच हो तो भाई तीसरा पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस की रैंकिंग्स अब भाई आप पूछोगे कि रैंकिंग्स का क्या मतलब है अगर स्टूडेंट एक जेनविन है तो वो किसी यूनिवर्सिटी में जा सकता है बट अगर आपको पता हो कि जो लास्ट क्वार्टर था दो का उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट वीज़ा रिजेक्शन हुए हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया में कभी नहीं देखे गए वो क्यों हो रहे हैं पहली बात तो जो रफ रैंकिंग्स है यूनिवर्सिटी की वो बहुत ज़्यादा सफल होने वाली है उन रैंकिंग में चेंज आने वाले हैं एंड फ्यूचर में जो भी वीज़ा एप्लीकेशन आएंगे वो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग के बेस पे ही आपको दिया जाएगा तो अगर मैं आपको इन शॉर्ट बताऊँ तो आपकी जितनी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग अच्छी होगी उतना ही आपका हाई चांस होगा वीज़ा एक्सेप्ट होने का इसका मेन रीज़न ये है कि गवर्नमेंट अपने सर से काम थोड़ा लाइट करना चाहती है और अगर मान लो एक यूनिवर्सिटी है जो टॉप फाइव रैंकिंग में आती है तो उनको पता है कि भाई भी, भी नेचुरली बहुत ज़्यादा स्क्रूटनी करेंगे और बहुत ही एडवांटेजेस बंदे को ही एडमिशन देंगे कोई एरा गैरा फर्जी डॉक्यूमेंट वाला बंदा नहीं उसमें एडमिशन लेगा तो इसलिए उनकी वीज़ा के चांसेस ज़्यादा होंगे और अगर आप कॉलेज में अप्लाई करते हो या फिर आप ग्रुप ऑफ एट के बाहर किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो तो आपके वीज़ा के मिलने के चांसेस और टफ हो जाएंगे इसका मतलब ये नहीं है कि आपका वीज़ा बिल्कुल ही एक्सेप्टेड है हंड्रेड डिक्लाइन है बट चांसेस जो होते हैं वो बहुत वेरी होंगे क्योंकि रिसेंट टाइम्स में भाई वीज़ा रिजेक्शन ज़्यादा हुए हैं और वीज़ा एक्सेप्टेंस रेट कम हो होगा तो भाई इससे मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा जितने भी स्टूडेंट्स प्लान कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया आने का कि भाई आप पहली बात तो किसी भी एजेंट के बेस पर अपना रैंडमली कोर्स चूज मत करना उसको चेक करो कि उसकी रेपुटेशन कितनी है और कौन सी यूनिवर्सिटी में वो अवेलेबल है और एक टिप भाई मेरे रनिक की तरफ़ से कि कॉलेजेस को अवॉइड करो क्योंकि आपका मेन पर्पस है पहले वीज़ा लेना अगर आप सीधा कॉलेज में अप्लाई करोगे तो भाई वीज़ा के रिजेक्शन के चांसेस काफ़ी हाई हैं इवन में तो आपको कॉलेज सस्ते पड़ेंगे बट सस्ता थोड़ा साइड रख के इन्वेस्ट करो कि आप लॉन्ग टर्म प्लान देखो तो कॉलेज को अवॉइड करो और जितनी अच्छी यूनिवर्सिटी मिल सकती है आपका फेवरेबल कोर्स उसमें ज्यादा अप्लाई करो तो भाई लास्ट पॉइंट जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा इंपैक्टफुल है कोई भी स्टूडेंट हो चाहे वो पाकिस्तान में हो इंडिया में हो नेपाल में हो भाई कहीं से भी हो क्योंकि मान लो आप कितने भी ब्राइट स्टूडेंट हो आपके 90 परसेंट आ रहे हैं आइल्स में भी आपने 8.59 लेके आ गए बट द एंड ऑफ़ द डे पैसा मैटर करता है जो इन्होंने आप सबसे ज़्यादा इन चेंजेस मारे हैं वो है आपके भाई फंड शो में जो इन लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि भाई जब ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई करते हो तो आपको एक बेसिक फंड शो करने पड़ते हैं अपने अकाउंट में जो कि वीज़ा अथॉरिटी चेक करती है उसके बाद ही आपको वीज़ा देते हैं जिन लोगों को नहीं पता मैं थोड़ा सा आपको एक रफ वे में समझा देता हूँ फंड शो मतलब बेसिकली आपके वो अकाउंट की स्टेटमेंट मांगते हैं जिसमें एक साल की आपकी यूनि की फीस या कॉलेज की फीस और एक साल की लिविंग एक्सपेंसिस आपको शो करने पड़ते हैं वो इसलिए मांगते ताकि उन लोगों को ये इस चीज़ का बिलीव हो जाए कि भाई इस बंदे के पास यहाँ पे आके पैसे हैं या अपनी फीस पे कर पाएगा और अपने खर्चे बेयर कर पाएगा तो अब वो जो टोटल अमाउंट थी वो उन्होंने इंक्रीज कर दी है सेवनटीन परसेंट सो फॉर एग्जांपल अगर आप पहले किसी कोर्स के लिए या फिर कि पहले किसी यूनि के लिए आपको फोर्टी शो करने पड़ रहे थे अब आपको उसमें सिर्फ सेवनटीन एक्स्ट्रा और शो करने पड़ेंगे तो विच इज़ रफली अराउंड लाइक एट टू नाइन डॉलर्स और तो भाई ये काफी बड़ी चीज है क्योंकि हम मोस्टली बंद जो इधर आ रहे होते हैं जितना मैंने नोटिस करा भाई सारे के सारे आयदा फ्रॉम मिडिल क्लास आते हैं और अपर मिडिल क्लास के बंदे आते हैं तो हम सब के लिए पैसा बहुत मैटर करता है क्योंकि अब आपको एक्स्ट्रा लोन लेना पड़ेगा या फिर आपको एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा जस्ट टू तो शो योर बैंक बैलेंस इन योर स्टेटमेंट तो गाइस ये थे हमारी तरफ से चार पॉइंट जिसको आपको भाई माइंड में रखना चाहिए क्योंकि ये अल्टीमेटली बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला आगे आने वाले सालों में और जितना भी टाइम में आने वाला है और अगर आपको इस पर फर्दर इफॉर्मेशन चाहिए तो जो भी हमारे रिसेंट वीडियो थी पिछली पांच अच्छे उसमें बहुत सारी वीजा अपडेट्स हैं रिगार्डिंग वीजा रिजेक्शन एज वेल उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे उनको देखने के बाद आपको इस वीडियो की ज़्यादा सेंस बनेगी कि एक्चुअल में ऑस्ट्रेलिया में आज की डेट में मार्च 2024 में चल क्या रहा है क्या नई पॉलिसीज आई हैं और क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक बार आप यहाँ जगह ऑस्ट्रेलिया आ जाते हो तो और भाई इसी वीडियो के एंड में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो का थोड़ा सा अपडेट दे देता हूँ कि पार्ट तो मैं क्या प्लान आउट कर रहे हैं फ्रॉम द पास्ट ऑनवीक कि हम नेक्स्ट वीडियो कौन सी निकालने वाले हैं हमारे टारगेट है कि पूरा हम आपको एक नॉर्मल सी पिक्चर दे दें कि भाई आपके लिए ट्वेंटी में ऑस्ट्रेलिया आना वर्थ है या नहीं है तो हम सारे प्रोज एंड कॉन्स पूरा आपको दिखा देंगे फिर आपके ऊपर ही छोड़ देंगे कि भाई तुम खुद डिसाइड करो तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया में आना वर्थ होगा या नहीं होगा सो so भाई स्टे ट्यून फॉर दिस चैनल और अगर आप ये चेहरे पहली बार देख रहे हैं तो भाई सब्सक्राइब कर दें लाइक like कर दें और अगर, अगर आपका कोई फ्रेंड है जो जाने वाला है जिसका ड्रीम है बाहर जाने का या फिर जिसको ये सारी इन्फॉर्मेशन पसंद लगती है तो अगर आप ये यही वीडियो ज़्यादा नहीं देखते तो भाई उसको शेयर मार दो वो देख लेंगे सो स्टे ट्यून एंड सी इन द नेक्स्ट वन